हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपनी एक पेयर फिंच बर्ड से ब्रीड कैसे लें, कौन सा वो आसान से आसान तरीका है जिससे कि हम एक पेयर से ब्रीड ले सकते हैं, और ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में है कि एक पेयर ब्रीड नहीं करता तो आप गलत हो। हाँ दोस्तों, एक पेयर फिंच का भी ब्रीड करता है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों ने लास्ट तक देख ली तो आप लोग जान जाओगे कि हम एक पेयर फिंच बर्ड से ब्रीड कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ से भी आप फिंच बर्ड ले रहे हो, एक या दो पेयर जो भी आप ले रहे हो, तो दोस्तों हमें उस बंदे पर, अगर आप लोगों को उस बंदे पर विश्वास है, भरोसा है, आप लोग जानते हो कि बर्ड जो है मुझे वो गलत नहीं देगा, तो आप वहीं से बर्ड को जो है परचेज़ करें। अगर आप मार्केट से परचेज़ करने जा रहे हो तो आप किसी ऐसे भाई को लेकर के जाएं क्योंकि पहले से बर्ड्स की हॉबी और बर्ड्स का शौक़ रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। काफ़ी हमारे भाई क्या करते हैं, फिंच बर्ड लाने के बाद में उसको केजिस में तुरंत से ही हाथों हाथ मटकी प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको हाथों हाथ मटकी प्रोवाइड नहीं करानी। आपको अगर एडल्ट पेयर आपने परचेज़ किया है तो आपको 1 वीक बाद अपनी फिंच बर्ड को मटकी प्रोवाइड करानी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जब आपने 1 वीक के बाद में मटकी प्रोवाइड करा दी तो काफ़ी हमारे भाई क्या करते हैं कि केजिस की जगह जो है वो चेंज करते रहते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी उन्होंने केज दूसरी जगह रखा हुआ है, अब उसके बाद में उसको धूप में रख दिया, फिर कभी छांव में रख दिया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो केजिस है वो एक ही जगह फिक्स रख देना है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भाइयों के पास मैंने यही चीज़ देखी है कि वो केजिस को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं। वो इससे ऐसा होता है दोस्तों कि फिंच बर्ड जो डिस्टर्ब होती रहती है और वो एक जगह प्रॉपर अगर आप रखोगे तो जब भी वो जा करके ब्रीड करेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आपने एक जगह पर भी फिक्स पिंजरा रख दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे भाई ऐसे हैं कि उस फिंच बर्ड को ही देखते रहते हैं और उसकी एक्टिविटी को नोटिस करते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आपको अपने बर्ड को प्राइवेसी देनी है और उसका दाना पानी सॉफ्ट करने के बाद में आप लोगों को वहाँ से तुरंत से हट जाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अपने बर्ड्स को ही देखते रहोगे तो दोस्तों आपके बर्ड्स जो वो ब्रीड काफ़ी ज़्यादा लेट करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो हो जाएंगे। अब दोस्तों अगली पॉइंट की तरह, तो अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि हमारे भाई ऐसा करते हैं, पिंजरे की जो छत होती है उसको वो ओपन रखते हैं और पिंजरे को जो है वो छत पर रख देते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर भी हमारा पेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब इस वजह से हो जाता है कि दोस्तों वाइल्ड बर्ड होते हैं, यानी कि जो हमारे ओपन में जो बर्ड रहते हैं, चील, कौवे वगैरह, तो जब हमारी पिंजरे की छत से ऊपर जाते हैं उड़ करके, तो उससे हमारी फिंच जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रखोगे तो आपकी फिंच बर्ड अंडे भी देगी और अंडों में से बच्चे भी निकालेगी और उन बच्चों को अच्छे से पाल करके बड़ा भी करेगी। अगर आप लोग ऐसा करोगे कि फिंच बर्ड को देखते ही रहोगे तो बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो ब्रीड जो है दोस्तों नहीं करेंगे। तो दोस्तों एक पेयर से अगर आप लोगों को ब्रीड लेनी है तो इन सब पॉइंटों का और इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा और आपके पास एक पेयर फिंच बर्ड ब्रीड कर देगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फिंच बर्ड का जो मटकी का ढक्कन रहता है वो आपको उल्टा रखना है। ये कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मटकी का ढक्कन जो वो उल्टा रखा है। उल्टा रखने की वजह ये है कि मटकी के ऊपर ये बर्ड्स जो नेस्टिंग करने का नंबर लगा देती हैं, तो मटकी का ढक्कन आपको हमेशा उल्टा रखना है ताकि वो मटकी के ऊपर जो वो नेस्टिंग जो है नहीं बनाए। ठीक है, अगर आपकी केजिस में या फिर कॉलोनी में चूहे आते हैं तो उनको भी आप रोकें, उनको भी आप कॉलोनी के अंदर ना आने दें। ठीक है दोस्तों, अगर वो भी आपकी कॉलोनी में केजिस में आते हैं तो वहाँ से भी फिंच जो है डिस्टर्ब होती हैं और दोस्तों चूहे जो हैं फिंच बर्ड के अंडों को फोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपकी फिंच बर्ड ब्रीड भी करेगी और आप अपने बर्ड्स का अच्छे से, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।